सुनो साथियों, एक आवाज में सब, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। साथियों, बड़े अरसे के बाद आज हमारे बीच में बहुत सारे संगठन के कार्यकर्ता पदाधिकारी संगठित होकर आंदोलन में इकट्ठा हुए हैं। आज बड़े खुशी का दिन है, आनंद मनाने का दिन है और ये इतिहास में लिखा जाएगा ऐसा दिन है। तो साथियों, हमारे वक्ता बहुत सारे हैं, यहाँ पे बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, बहुत सारी बातें आप लोगों को आज जानकारी देंगे। मैं भी देना चाहता था, मगर अगर देना चाहूंगा तो समय आज कम पड़ जाएगा। आगे हमारे आने वाले वक्ता आपको सारी बातें बताएंगे, फिर भी मैं शॉर्ट में इतना बताना चाहूंगा कि भारत सरकार की नियत में कोई बुरा ना माने, मगर 2014 से जब से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 17 दिन हुए हैं, तभी से हमारे इस सहारा के भुगतान के ऊपर ग्रहण लग चुका है। उन्होंने शायद 2014 में चुन के आने के पहले ही सहारा श्री से गठबंधन कर लिया होगा कि आप इस इलेक्शन में मुझे साथ दीजिए, मैं आखिरी दम तक आपको साथ दूंगा। और इसीलिए जैसे ही वो सत्ता पे आए और जैसे कि बहुत सारे नेताओं ने अपने मंचों से कहा है कि मोदी जी ने सहारा से 40 करोड़ 10 लाख रुपए लिया है, तो जो आदमी अगर किसी संस्था से खाएगा, जिस संस्था के गुलामी तो करेगा, नीचे तो देखेगा ही, और आज उसका नतीजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आज हम दर दर भटकते हैं, रात दिन परेशान रहते, हमारा खाना पीना सोना सारा हराम हो गया है, हमारे बीच से हमारे गरीब के लोग स्वर्ग सिधार गए, बहुत सारे लोग रोगों से ग्रसित हो गए। ये सारी कारण का मूल जल है हमारे भारत की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने हमारे सहारा के प्रमुख श्री सुब्रता जी को अभिदान दे के रखा है और उसका नतीजा हम लोग भुगत रहे हैं। और इस नतीजे से बाहर निकलने के लिए आज हमारे देश के सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो पोर्टल घोषित किया है, उसका निषेध करने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। बोलिए, आप उस पोर्टल का निषेध करने के लिए तैयार है या नहीं? पोर्टल का हम सब निषेध करते हैं, हम सब पोर्टल का, बोलिए जोर से बोलिए, हम पोर्टल का निषेध करते हैं। वास्तव में चाहिए ऐसा था कि हमारे पहले जैसा बोला जाता था कि 3 लाख करोड़ के करीब हमारी देनदारी सहारा के तरफ बकाया है और हमारे सहकारिता मंत्री मात्र 5,000 करोड़ में सौदा करते हैं, तो इस सौदे के पीछे कुछ तो भी कारस्तान होगा, ये बात बिल्कुल जाहिर दिख पड़ती है। बराबर है, जोर से बोलिए, ये कारस्तान करने के पीछे सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का कुछ ना कुछ कारस्तान था, सही बात है? और जोर से बोलिए, सही बात है। हाँ, इसलिए दोस्तों उसका हमें विरोध करना चाहिए। अमित शाह जी को चाहिए था कि पहले सहारा की देनदारी हमारी जमाकर्ताओं के प्रति कितनी है उसको पहले फिक्स करे, तय करे, निश्चित करे, और उसके बाद उतने पैसे की व्यवस्था करने के बाद पोर्टल जाहिर करना चाहिए था, अन्यथा पोर्टल जाहिर नहीं करना चाहिए था। इतना बोल के मैं अपने 2 शब्द पूरे करता हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, इसलिए धन्यवाद।